नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। प्रदेश में दिनों दिन भयावह होते जा रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में फिर से सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी कहा था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है, और इसी के मद्देनजर गहलोत सरकार ने 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का फैसला लिया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस कर्फ्यू के दौरान किन्हें अनुमति मिली है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। प्रदेश में 19 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा जन अनुशासन पखवाड़ा। पखवाड़े के दौरान सभी कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। यात्रा टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो, हवाई जहाज में यात्रा की होगी अनुमति। यात्रा से पूर्व 72 घंटे में करवाया गया RT-PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा अनिवार्य। शाम 5 बजे तक सब्जी, फल, दूध, किराना सामान की दुकानें खोलने की अनुमति। ठेले, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा के जरिए शाम 7 बजे तक खुदरा में हो सकेगी बिक्री। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को ID कार्ड दिखाने पर आने जाने की मिलेगी छूट। समाचार पत्र वितरकों को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक रहेगी छूट। LPG, गैस, पेट्रोल पंप सेवा रात 8 बजे तक रहेगी चालू। मिठाई दुकान, प्रोसेस्ड फूड, टेक अवे रात 8 बजे तक रहेंगे जारी। आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की दुकान, उद्योग, निर्माण इकाइयां रहेंगी चालू। श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए उन्हें जारी किए जा सकेंगे पास। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की होगी अनुमति। गर्भवती महिलाओं, रोगियों को चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए जाने की होगी अनुमति। कृषि मंडियों में फसल बेचने, खरीदने के लिए आने जाने की होगी अनुमति। राशन की दुकानें खोलने की होगी अनुमति। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा स्थल पर जाने की होगी अनुमति। मनरेगा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े श्रमिकों को मिलेगी कार्यस्थल पर आने जाने की छूट। इस तरह गहलोत सरकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए प्रदेशवासियों के हित में कड़े फैसले कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार का इस बात पर भी जोर है कि इस दौरान आम जन को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, और इस दौरान लोगों की जीवन बचाने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई जा सके। इसलिए सरकार की लोगों से अपील है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यही एक कारगर उपाय है।